हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि अभी मेरी तबीयत सही नहीं हुई है। तो जी, मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आए थे। ये तकरीबन जो है 3 किलो फ़िश है, और मैं इसको जो ना, खैर पूरी तो मैं फ्राई नहीं की करूँगी, मैं इसमें से 2-4 पीस जो है, 4-5 पीस जो है वो मैं इसको फ्राई करूँगी, और बाकी जो है मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की करूँगी। सालन भी बनाऊंगी और मैं इसको फ्राई भी करूंगी, तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो थोड़ी सी फिश मैं निकाल रही थी इसको फ्राई करने के लिए, तो चले मैं इसको मैरिनेट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चले अब मछली का जो है हम मसाला प्रेपर कर लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच इसमें दही ली है, आधा चम्मच जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, एक लीमू, और ये शान का मैंने मसाला लिया है, फिश मसाला, सॉरी नेशनल का। ये मैं सिर्फ इसमें 1 चम्मच जो है शामिल करूँगी, बाकी मैं घर के मसाले शामिल करूँगी। बस 1 चम्मच। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई मिर्चे, नमक, नमक देख के बस मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि मसाले में भी नमक है। और 1 चम्मच जो है मैं इसमें कुटी हुई, 1 से 1.5 चम्मच जो है कुटी हुई मिर्ची डालूंगी। अब 1 से 1.5 चम्मच जो है मैं इसमें बेसन डालूंगी, 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और 1/2 चम्मच जो है मैं चाट मसाला डालूंगी। अब इन चीज़ों को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी शामिल कर लें अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो तो। अब मैं इसमें मछली के पीसेस डालूंगी और इसको जो है हाथ से मिक्स कर लूंगी। मैं हाथ से ही ज़रा सही मिक्स होगी, मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। चलिए ये देखिए, मैंने इस पर मसाला लगा दिया है। अब मैरिनेट करने के लिए मैं आधे से 1 घंटे के लिए रख दूँगी। जब मुझे पकाना होगा, फ्राई करनी होगी, तो फिर मैं इसको निकालूंगी। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। चलिए जी देखिए, तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है थोड़ी सी। अब मैं इसके जो है 1-1 पीस उठा के ऑयल में डालूंगी। चलें जी देखें, नीचे इसके कलर आना शुरू हो गया है नीचे से। अब मैं इसको जो है टर्न करूंगी।
बैगन टान मैंने कर ली है। अब मैं नीचे से इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, और जब ये फ्राई होती है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए जी, देखिए ये तैयार है फिश। ये मैंने इसके साथ चटनी बनाई है, इमली की खट्टी चटनी बनाई है, और ये मछली। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी, और अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। चलो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, देखिए ये तैयार है फिश। ये मैंने इसके साथ चटनी बनाई है, इमली की खट्टी चटनी बनाई है, और ये मछली। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी, और अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। चलो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।